हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यना किचन। मैं सपना स्वागत करती हूँ आपका आर्यना किचन में। आज मैं आपके साथ एक फेस्टिवल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ नमक पारे और शक्कर पारे में क्या डिफरेंस होता है, नमक पारे और शक्कर पारे कैसे बनाए जाते हैं। होली हो या दिवाली, नमक पारे और शक्कर पारे सबके घर में बनाए जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन से हैं, लेकिन इसको बनाने का सही तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और घंटे का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यही नोटिफिकेशन है जो आपके फ़ोन पर जाए मेरे वीडियो का जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नमक पारे और शक्कर पारे कैसे बनते हैं। नमक पारे बनाने के लिए हमें एक कप आटा, एक कप मैदा, आधा कप घी और आधा कप सूजी, थोड़ी सी दही हम लोग लेंगे, पानी, अजवाइन और नमक। इन सबको एक बाउल में डाल के हम मिक्स करेंगे। कोई भी एक कटोरी या कप ले लीजिए, फिर उसी से आप मेज़रमेंट रखिएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हाथों की मदद से एक डो हमें रेडी कर लेना है। ये बहुत सॉफ्ट डो बन के रेडी होगा और बहुत अच्छी तरह से इसको मसल मसल के हमें गूंदना है आटा, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट बने। और घी का आपको इसमें इस्तेमाल करना है, आप चाहे तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो नमक पारे होते हैं वो घी में ही, घी आप उसके अंदर डालेंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इस तरीके से हमें एक डो रेडी कर लेना है। देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे लगाएंगे और इसको थोड़ा सा और मलेंगे। मलने के बाद इसको बहुत अच्छे से मल के हम इसमें पहले सूजी नहीं डालेंगे, हम इसमें थोड़ी थोड़ी सूजी बाद में डालेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी सूजी डालेंगे इसमें, ये डो हमारा रेडी हो गया है। आधी सूजी हम इसमें से डालेंगे, ये हाफ कप सूजी हमने ली थी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, ये आपको ध्यान। जब हमारी पहली सूजी इसमें अच्छे से मिल जाए, उसके बाद हम इसमें दोबारा से सूजी डालेंगे और इसको अच्छे से मल के हाफ़ एन आवर के लिए इसको रख देंगे। कम से कम इसको 20 से 30 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए रखा जाएगा, तब वो सूजी इसमें फूल जाएगी और आपका डो, जो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पतला हो गया है, तो वो थोड़ा जो सूजी है उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो अच्छे से एक सही टेक्सचर में आपका डो रेडी हो जाएगा इस तरीके से। ये डो हमारा एकदम रेडी हो गया है। इसको ढक के रख देते हैं हाफ एन आवर के लिए और चलते हैं शक्कर पारे कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। शक्कर पारे बनाने के लिए हमें आटा, सेम मेज़रमेंट का आपको सेम एक ही कप रखना है, उसी से आपको सब चीज़ें मेज़र करनी है, मैदा और घी। इसमें 1/4 कप घी लगेगा, हमने उसमें 1/3 कप डाला था, और थोड़ी सी सूजी हम इसमें पहले ही ऐड कर देंगे। और अब इसमें जाएगा
थोड़े से तेल, आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं क्रश करके, मैं तेल डाल रही हूँ वाइट तेल, और हम डाल रहे हैं इसमें शक्कर। ये मेरे पास ब्राउन शुगर है, आप चाहें तो वो जो ओरिजिनल शक्कर होती है वो भी डाल सकते हैं, और इसमें चीनी भी डाल सकते हैं आप, लेकिन चीनी को पहले पीस लें। अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क से जो है वो बहुत ही इसमें सॉफ्टनेस आएगी, तो इस डो को हम रेडी कर लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मिल्क आप बहुत थोड़ा डालें, क्योंकि जो शक्कर है ये एकदम से मेल्टी हो जाएगी और आपका डो जो है पतला हो जाएगा। ये क्रिस्पी बने रहे इसलिए हम इसमें सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों ही चीज़ों में। हम पहले इसमें आधा कप सूजी थी हमारे पास, हमने हाफ अप डाल दी है, हाफ हम बाद में डालेंगे। इसको अच्छे से डो एक बना लेंगे, अच्छे हल्के हाथों से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे अच्छा एक डो रेडी कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही डो हमारा रेडी हो जाएगा। रेडी हो गया है, हम इसमें सूजी ऐड कर रहे हैं जो बची हुई है, थोड़ी सी हमने और बचा ली है। पहले हम थोड़ी सूजी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। उसके बाद हम जो है जो बची हुई सूजी है इसको भी ऐड करके इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसे भी हाफ एन आवर के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अगर आपको ये थोड़ा मेल्टी लग रहा है, थोड़ा चिपचिपा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा घी का हाथ इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये सूजी से भी बहुत अच्छा डो बन के रेडी हो जाएगा और इसमें एक टाइटनेस आ जाएगी। जैसे जैसे सूजी फूलेगी वैसे वैसे ये टाइट हो जाएगा और सॉफ्टनेस इसमें घी और दूध से बनी रहेगी। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा डो रेडी हो गया है, अब हम दोनों डो को अपना रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। दोनों डो हमारे अच्छे रेडी हो गए हैं, देखिए ना टाइट हैं ज़्यादा और ना ही पतले। हम इसको इस तरह से रोल करेंगे और उसको हाफ़ करके हम पहले हाफ़ कर लेंगे इसको इस तरीके से, और इसकी हम एक पेड़ा बना के अच्छे से एक पूरी बना लेंगे इस तरीके से। अब ये फटेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये हम साइडों से निकाल देंगे, ये थोड़ा खस्ता बनता है तो इसमें मोन ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा सा फटता ही है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, एकदम सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है और इस सूजी से बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा इस तरीके से। आप अपनी मनपसंद शेप दे के इसको बना सकते हैं।
नमक पारे की तरह हम ये शक्कल पारे भी रेडी कर लेंगे। नमक पारे मैंने थोड़े लंबे कट किए थे, शक्कल पारे को मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग बन के रेडी होंगे। और इस दिवाली ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए ये हमारे शक्कल पारे कितने अच्छे बन के रेडी हो गए हैं और इनके ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ज़्यादा पतले और बिल्कुल भी चकले पे चिपके नहीं हैं और एकदम से बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं। हमारे नमक पारे और शक्कल पारे बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं और एकदम बढ़िया लग रहे हैं। आप अब हम ये तलने के लिए गैस पे कढ़ाई रख लेते हैं। आप रिफाइंड या घी या मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और पहले मैं एक शक्कल पारा डाल के देखूँगी कि कढ़ाई ज़्यादा गर्म तो नहीं है। कढ़ाई को एक बार आप तेज़ गर्म कर लें, उसके बाद आप गैस को सिम कर दें और शक्कल पारे डालने के बाद बिल्कुल चलाएँ ना, उसे एक बार थोड़ा सा टाइट होने दें, कुक होने दें, उसके बाद आप इनमें करछी लगाएं। इस तरीके से हम सारे अपने शक्कल पारे, कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं धीरे धीरे शक्कल पारे डाल रही हूँ। इन्हें अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये कढ़ाई में डालने के बाद अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्राई ना करें कि इन्हें हम अलग अलग करके डालें, ये अपने आप जब तलेंगे तो ये अपने आप अलग हो जाएंगे। हल्का सा इन्हें कढ़ाई के बीच में करेंगे और हल्का सा इस तरीके से इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब थोड़े टाइट हो जाएंगे इनको जब हम तलेंगे। गैस को आप कम ही रखिए क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो वो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और आप इन्हें बिल्कुल 100% इनका कलर का इंतज़ार ना करें कि ये कढ़ाई में इनका 100% कलर आ जाए तब हम इनको बाहर निकालें, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी इनका कलर थोड़ा चेंज होता है। तो जब ये 80-70% आपको लगे के हो गए हैं तभी आप इन्हें बाहर निकाल लें। ठंडे होने के बाद इनका कलर थोड़ा चेंज होता है। देखिए कितने बढ़िया बन के रेडी हो गए हैं और गैस हमने बिल्कुल कम कर दी है और देखिए फूले फूले इतने बढ़िया लग रहे हैं। Thank you.
हमारे यमी शक्कर पारे एकदम तैयार हैं और इनका कलर इतना बढ़िया लग रहा है कि इन्हें देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो अपने नमक पारे बना लेते हैं। नमक पारे बनाने के लिए कढ़ाई हमारी तेज़ गर्म करके एक बार सिम कर देनी है। उसके बाद हम धीरे धीरे नमक पारे डालेंगे। दो बैचेज़ में मैंने इसको तला है, जैसे दो बैचेज़ में मैंने इन्हें बनाया था वैसे ही दो बैचेज़ में मैंने इनको तला है। एकदम ज़्यादा कढ़ाई में न डालें, उससे भी क्या है कि ये टूट भी सकते हैं जब आप चलाएँगे और एकदम से सिकेंगे भी नहीं अच्छे तरीके से। तो इसलिए थोड़े थोड़े करके इन्हें डालें और हल्के हाथों से चला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब थोड़े कुक हो जाएं उसके बाद इन्हें पलट दें। पारे की तरह हमारे नमक पारे भी बनके रेडी हो गए हैं और ये इतने यम्मी लग रहे हैं कि पूछिए मत। तो इस दिवाली आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे नमक पारे और शक्कर पारे बनके रेडी हो गए हैं। तो देखिए ये कितने अमेजिंग और कितने बढ़िया लग रहे हैं। इनकी थिकनेस देखिए और शक्कर पारे देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस दिवाली ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।